कि खाली कटोरा लेके क्या करने वाले हैं, तो देखो अभी किक करके क्या करते हैं। अभी कल जो पल्सेस बनेगा ना, अभी तो कच्चा है, ये थोड़ा थोड़ा करके मैं कप में डाल देती हूँ। अब कितना सारा है देखो, वो थोड़ा कम है, मूंग का कम है थोड़ा सा, और बटाना, हरा बटाना का, हरा बटाना हाँ थोड़ा कम है, जो घर में जो था उसमें से बना रहे, और जो नहीं था वो खरीद के लाए। इतना सारा से आ रही है हरा बटाना, तो फूल के इतना ज्यादा हो जाएगा। ये व्हाइट बटाना नहीं, व्हाइट बटाना नहीं, चौली 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 का बीज, चना नहीं, फिर अक्का काला मसूर, अक्का नहीं, क्या बोलते मटकी, बोलते मटकी, हाँ मटकी, वो मुझे बोलने को भी नहीं आता, मटकी हाँ रहता है उसका, वाइट बीज, चना, व्हाइट बटाना, पूरी का ब्राउन बीज, ये व्हाइट था और ये ब्राउन बीज, काला बटाना है, काला बटाना दुकानदार बोले काला बटाना है, मक्का मसूर, मक्का मसूर अलसी से, अभी ये कच्चा है, अभी इसको थोड़ा पानी डाल के इसको सबको भिगाना दे देती हूँ, कल तक भीग जाएगा ये, पहले से भिगा के रखने का, अगर आप लोग सुबह बनाएगा तो रात को भिगा के रखना, अच्छा से भीग जाएगा। शीम का बीच में डालो, सब अभी पानी के अंदर जाके तैर रहेंगे, ताज़ा ताज़ा हो गया है, मतलब पानी पीने मिला, चलो थे देर बाद, अभी ये लोग तो इतना सूखा था, बहुत खुशी हो गया ये लोग को, पानी पानी मिले, वहाँ से पानी में हम लोग को भिगा दिया, हम लोग तो अभी सूखा था, ड्राई था, देखो सब भिगा दिए, और अच्छा से सोख हो जाएगा, कल इसको वीडियो होंगे रुखसाना मुल्ला में, रुखसाना मुल्ला में आपको सब देखने मिलेगा, मैं कैसा बनाती हूँ, मसाला क्या क्या जाता है, सब मिलेगा। अब वीडियो में का, वीडियो का इंतजार करो, इसमें से कैसा बनाने वाला है, क्या बनेगा, आप भी देख के, आप लोग को कल जो बनाएंगे ना देख के आप लोग भी बनाना, एकदम हेल्दी, एकदम ताकतवान, एनर्जी वर, एनर्जी वाला। अब ये हो गया मिक्स स्प्राउट, बनाएगा एक रेसिपी, पानी चला गया तो इसलिए पल्सेस अभी भी है, वो स्प्राउट नहीं हुआ है अभी, कच्चा है इसलिए स्प्राउट नहीं हुआ है, कल सुबह में आपको बताएंगे, भीग जाएगा अम्मी ये, अभी अगर हम लोग दोपहर को बनाएंगे तो रात को भिगा के रखेंगे ना, हाँ रात में, अगर रात में भिगा के रखेंगे भरपूर बन जाए, भरपूर हो जाएगा, ये जो भी तैर रहा है उसको मैं नीचे नीचे कर देंगे। अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, रुखसाना मुल्ला कुकिंग किचन में सबका स्वागत है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक है और आप सबकी दुआ से हम सब बहुत अच्छे हैं। तो आज हमारे घर पे एक ज़बरदस्त और मज़ेदार का रेसिपी बनने जा रहा है, तो वो रेसिपी का नाम है, बनाए थे फ्राई नहीं किए थे, अब इसको फ्राई करके बनाएंगे, तो रेसिपी का नाम है बीन मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, स्प्राउट आलू मतलब बटाटा रेसिपी। तो सब है, ये सब जो दिख रहा है स्प्राउट 50 ग्राम है, सब दो 50 ग्राम है, दो बटाटा, दो कांदा, दो टमाटर, इलायची, तीन गोल मरीच, तीन लौंग, 1 टेबलस्पून जीरा, एक तेजपत्ता, स्प्राउट है। पहला मैंने क्या करी थी, उसको फ्राई नहीं करी थी, अभी मैं सब इसको पहले उबालूंगी फिर फ्राई करूंगी, एक एक करके सब डाल देंगे इसमें, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो अलग अलग सब जा रहा है कलर का, ग्रीन फिर वाइट, उसमें एक है डाल दो अंदर, मटकी ग्रीन मटकी, ग्रीन मूंग, ये काला बटाना डाल देंगे, ये बड़ा चना, काबुली चना, ये पापड़ी का बीज, ये अपना झाड़ का है, झाड़ का पापड़ी का बीज वो डाल देंगे,
वाह जबरदस्त, पानी डाल देंगे। ये पूरा डूब जाना चाहिए, ये पानी फेंकने का नहीं, ये पानी से अगर हमको ज़रूरत पड़े हम पका सकते, क्योंकि मैंने इसको रात को भिगाई थी, सुबह उसको अच्छा से एक एक करके धो के रखी थी। चलो अभी इसको उबालने डाल देंगे, ऐसा नमक ढक देंगे, जल्दी उबालने के लिए ढक देने का इसको 10 मिनट। ठीक है, उबल गया है ना पूरा, ये देखो 10 मिनट हो गया। वाह बहुत ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत लग रहा है। वाह इसको ऐसा खाओ, इतनी ताकत मिलेगी। हाँ। इसमें छन्नी बिठा दिए है, अब जो पानी जिसमें आएगा सब छन्नी के माता नीचे चला जाएगा। इसको फ्राई करने का है ना, सुखाने के। देखो कितना जबरदस्त लग रहा है। मैं जब एक बार बनाई थी ना, एक बार बनाए थे, बहुत टेस्टी था, लोग कमेंट करके बोले अच्छा है, वेज है, अच्छा है। तो फिर मैं बोली आज अभी इसको मिक्स बनाती हूं, पहले उबाली नहीं थी, अभी फ्राई करूंगी। तो इसको और अच्छा लगेगा खाने में। देंगे फ्राई करने के तेल डाल देंगे, 2 कटोरा तेल, आजू बाजू मिक्स कर लेंगे कढ़ाई के, ताकि वो जो ग्रेवी है वो आजू बाजू चिपके नहीं। अच्छा स्प्राउट, हाँ ये जो है ना आजू बाजू चिपके नहीं, ज़्यादा लो में हो जाना, मतलब ज़्यादा गर्म हो जाना चाहिए, तब ये अच्छी तरह से फ्राई हो। अभी इसको अब हम लोगों ने इसमें कांदा, टमाटर, नींबू, हरी मिर्ची, कोथमी डाल के ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, भेल। हाँ भेल, स्प्राउट भेल, स्प्राउट भेल। हाँ अब इसको इसमें डाल देंगे, पलट देंगे धीरे धीरे। इसको अगर भून लेंगे ना तो इसका टेस्टी भी हो जाते हैं और टेस्ट दोगुना हो जाता है। ये अभी इसको निकाल लेंगे, कितना जबरदस्त खुशबू हो गया, तो क्या खुशबू आ गई। पटाटा फ्राई करेंगे, ये देखो मैं राई तेल दे रही हूँ, आप लोग को जो भी तेल खाते हैं वही तेल से बना सकते हैं। लेंगे हल्दी डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा नमक कर लेंगे अच्छी तरह से। फ्राई हो गया देखो, इसको डाल दिया, फ्राई करी उसमें 2 कटोरा पे तेल डाली, अभी उसमें कांदा दूंगी, मसाला दूंगी। गैस को थोड़ा आस्ते कर दूँ, बहुत गर्म हो गया। मिर्ची दे दिया, चीर के डाल दिए इसमें, इसमें से काट कर लिए मैंने। जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें ज़्यादा अदरक लहसुन जाते हैं ना, उसमें खुशबू भी आता है, टेस्ट भी होता है। टमाटर, थोड़ा सा नमक, क्योंकि टमाटर जल्दी गलने के लिए। हाँ धनिया 2 टेबल स्पून, ये चम्मच भर के। हाँ और जीरा 1 टेबल स्पून, लाल मिर्ची पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून। अब ये उसमें डाल देंगे, टमाटर भी डाल दिया, देखो टमाटर भी डल गया, भी ऊपर आ गया, टमाटर भी डल गया, और मसाला डाल दिया। जब भी टमाटर डालने का ना, नमक डाल देंगे, तो क्या टमाटर गल जाएगा। उसमें डाल देंगे मसाला, अब मसाला को मिक्स कर लेती हूँ, अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे, करके रखे थे वो डाल देंगे इसमें, तो मिक्स कर लेंगे ताकि जो आलू है मसाला में पूरा मिक्स हो जाए। इस तरह से भून गया है हमारा जो स्प्राउट है, वो के पूरा डाल देंगे उसमें। आहा बहुत ज़बरदस्त, मसाला में भून गया है, अब इसको पानी डाल के इसको ढक देंगे, बस देख के इसमें नमक डाल दूंगी, क्योंकि चले गए एक बार उसको उबालने का टाइम दी, एक बार बनाने के टाइम बनाने के टाइम पे गैस थोड़ा आस्ते कर जल जाएगा बोल के, तो आस्ते कर दिए थे। ये देखो अब डाल दिए नमक, अब इसको ढक ढक दें, ढक ढक दें, रेडी हो गया है, जबरदस्त देखो। हाँ अब उसको ये जो मसूर डाल, जो अक्का काला मसूर दिया ना, उसने ग्रेवी बना दी है, और जो पल्सिस जो है ना वो एकदम नरम हो गया, तो आपको कैसा ठीक रखने का, अब अपने हिसाब से रख सकते हो, हिसाब से रखने का। मैं तो ऐसा रखी, क्योंकि ये रोटी के साथ चावल के साथ सब में अच्छा लगेगा। अभी ये गैस बंद कर दीजिए और इसमें कोथमी डालेंगे,
एक स्प्राउट आलू रेसिपी रेडी हो गया है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, रेसिपी कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर, ताकि और अच्छा अच्छा नया रेसिपी आप लोग को देखने मिले। तो चलो अभी ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी बना है, एक बार बनाए थे और ये हेल्दी बहुत हेल्दी है खाने में। चलो ये जो जब मैंने बनाई ना मिक्स स्प्राउट, तो स्प्राउट उसने बोल दिया तो रोटी के साथ चावल के साथ सबके साथ खा सकते हैं। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है एकदम। इसको उबाल के भी एक क्या बोलते हैं जो हम लोग चना के साथ बाहर खाते ना, भेल ने उसको क्या बोलते हैं, चना मसाला मिक्स, तो कितना अच्छा लगेगा। और वो आप लोग को हम लोग अगर उसको उबाल के भी खाएगा ना तो अच्छा है। रोटी के साथ कैसा लगा? रोटी के साथ इतना अच्छा लगा, चावल के साथ उससे ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत जबरदस्त, इसमें से हम खाएगा कुकुम्बर से। इसको रोटी के साथ में भी, चावल के साथ में भी, और ऐसा नॉर्मल तुम इसमें से ऐसा खाते हो, जैसा मैं अभी खा के बताती हूँ। बहुत ज़बरदस्त बना खाने में, मैं तो बता दी खाने बहुत टेस्टी बना। तो चलो वीडियो भी देरी नहीं करती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि और अच्छा अच्छा नया रेसिपी देखने मिले। बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। बाय, अल्लाह मलिक दा, पीस।